हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। अभी मैं राजगीर में हूँ और अब कुछ दिनों तक आपको राजगीर का व्लॉग देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग जाने वाले हैं मखदूम कुंड। बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। तो फाइनली दोस्तों, मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ मखदूम कुंड में। ये जगह बहुत ही ख़ास है, इसके बारे में आपको मैं आगे चल के बताऊँगा। अगर आप इधर देखेंगे तो ये गेट है मखदूम कुंड, ये राजगीर में स्थित है। तो अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं और यहाँ से देखिए पूरी तरह से ये जो है ना पहाड़ पर बनी हुई दरगाह है। और राजगीर जब भी आप आएँगे ना तो बिल्कुल नेचर से घिरा होता है, आपको पहाड़, यहाँ पर वाटरफॉल और बिल्कुल नेचुरल प्लेस है, बहुत सुंदर जगह है। तो एक बार आप ज़रूर आएँ। और वैसे तो मैं आपको ब्लॉग के माध्यम से जो है ना दिखाता ही रहूँगा। अभी चूँकि 12-1 बज रहा है तो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ वगैरह नहीं है, पर मैं मस्जिद है और ये है मखदूम कुंड। आपको अंदर लेकर चलता हूँ, इसमें क्या ख़ास है आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए ये आप जो स्विमिंग पूल देख रहे हैं, ये कोई साधारण स्विमिंग पूल नहीं है। ये आप ठंड के मौसम में आप आएंगे तो आपको यहाँ पे हमेशा पानी गर्म दिखेगा। पानी गर्म है कि ठंडा? तो यहाँ पे पानी हमेशा गर्म होता है, यहाँ पे लोग नहाते हैं और बहुत अच्छी जगह है। अगर आप इधर देखेंगे ना तो फिर आप नहा कर बैठ भी सकते हैं। ये बहुत सुंदर जगह है, देखिए मजा ले रहे हो ना, मजा आ रहा है, आ रहा है, गर्म लग रहा है। अच्छा आप जरूर बताइएगा कमेंट करके कि ये पानी गर्म क्यों आ रहा है। ये ऊपर से पहाड़ से, ये जो आप देखिए ना, ये जो रास्ता ना, ये पहाड़ से पानी यहाँ पे डायरेक्ट आ रहा है और ये पानी हमेशा गर्म रहता है। आप चाहे ठंडे में आओ, गर्म में आओ, क्या दिख रहा है कुछ? अंदर से पानी आ रहा है, वो पानी के लिए बनाया गया है। और ऊपर में ये मस्जिद है, बहुत खूबसूरत मस्जिद है, आपको ऊपर दिखाते हैं। और अब आपको ऊपर लेकर चलते हैं। तो यही वो जगह है जो आपको मैं दिखाना चाह रहा था, ये अंदर जाने की जगह है। आपको अंदर दिखाएं, अगर तो ये जो आप देख रहे हैं ये चट्टान है, इसे किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं है, मतलब एक नीचे में इसका सपोर्ट नहीं है। आप उधर देखेंगे तो इधर से कमरा बना दिया है और कहना है कि ये जब यहाँ पे नमाज पढ़ रहे थे तो किसी जादूगर ने ऊपर से चट्टान ढकेला था, तो वो चट्टान यहाँ पे आई और जब नमाज पढ़ रहे थे तो जैसे ही उंगली उठाते हैं अशहदुल्लाह इलाहिल्लाह शहादत की उंगली, तो जैसे ही उठाया ये पत्थर यहाँ पे आते हुए रुक गया। अब देखिए अंदर भी लेकर चलते हैं, ये अंदर एक जगह बन गई, एक कैंप बन गया। एक देखिए ये चट्टान है, बहुत बड़ी चट्टान है यार। यही वो जगह है जहां पे वो नमाज पढ़ रहे थे और बहुत बड़ी चट्टान ऊपर से किसी जादूगर ने धकेल दिया था, तो पहाड़ पर से जब चट्टान गिर रहा था तो यहाँ पे नमाज पढ़ते हुए उन्होंने जैसे अशहदुल्लाह इला इल्लल्लाह के लिए उंगली ऊपर की, ये चट्टान रुक गई। देखिए जैसा बन गया है, तो यहाँ पे अब हम खड़े हो सकते हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि ये इसकी क्या स्टोरी है
क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जावेद अख्तर जी। ये इबादत गाह हुआ हजरत महमूद शेख शमसुद्दीन अहमद पूजा मंजूरी रखा है। जब यहाँ तशरीफ लाए थे जी, यहाँ किसी चीज़ की आबादी नहीं थी, मुझे उठाना चलता था बाहर था जी। इनसे पहले दो जादूगर थे जी, एक का नाम था रावा, दूसरे का नाम रत्ता। रावा रत्ता, हाँ। पहाड़ पर रहा करते थे। सबसे पहला क्या मरहूम जहाँ मुकम रखा था जी, वहाँ नमाज पढ़ रहे थे। जादूगर ने जादूगर ये शेर भेजा जी, ताकि वो देख के रह सकते, लेकिन आप अल्लाह वाले थे, इबादत में लगे रहे जी। नमाज से फारिग हुए तो वो शेर को मारा थे। शेर के खून में पंजे का दाग अभी भी ऊपर में मौजूद है। पंजे का दाग है वहाँ, वो 750 साल हो रहा था। उसी जगह पैगंबर ताज़ा हिज़र अलैहिस्सलाम जो पानी के बादशाह हुए जी, मखदूम जहाँ मतलब मुलाकात हुआ करती थी, गुफ्तगु हुआ करती थी, दीदार हुआ करते थे, इसलिए उस जगह का नाम मस्जिद हिज़र रखा है। मस्जिद हिज़र जी, यहाँ भी नमाज पढ़ रहे थे। दोबारा जादूगर इनको ख़त्म करने के लिए यही चट्टान चलाई जी, जो आप नमाज में अशहदुल्ला जी मोहम्मद यही पहाड़ हवा में रुक गया है। इसी पहाड़ का ना ज़मीन से लगा है ना आसमान से जी। 1154 हिजरी में जब खादिमों को बशारत दिए तो अंदर में जो दीवार दी वो 350 साल हो रहा जी, पहाड़ के गिरे 750 साल हो रहा है। 400 साल बिल्कुल हवा में रहा। अच्छा, 400 साल बिल्कुल हवा में रहना। 350 साल दीवार गिरे जी। दोनों जादूगर ये कारनामा देखकर उनके कदमों के नीचे गिर गया और ईमान लिए जी। एक का नाम आता हजरत मखदूम हिलाल मकलाल हिलाल, और दूसरे का नाम हजरत मखदूम अतीकर मकलाल अतीकर मकलाल। दोनों की मजार बिहार शरीफ बलिगंज जहाँ इनकी मजार शरीफ है। हुजरा हुआ हजरत मौलाना मजफ्फर शम्स बल्ती रहमतुल्लाह जी, ये बलख के बहुत बड़े बादशाह थे, ये बादशाहियत थी जी। इनकी पतीली बुजुर्ग ने वक्त तक पता छोड़ दिए जी, इनके जी हजूरी में लगे। इनको ही बुजुर्गी यहीं से मिली। ऊपर चल के आपको दिखाते हैं, वो जगह भी दिखाएंगे जहाँ पे शेर को पंजा है जी, जो कि साथ दाहिने तरफ खून का दाग है, बाएं तरफ शेर के पंजे का दाग, वो जगह को छोड़ दिया गया। अच्छा, दाहिने तरफ खून है और बाएं तरफ शेर के पंजे का निशान है। तो आपको ऊपर चल के दिखाते हैं जहाँ वो लोग जाकर नफिल अदा करते हैं। इधर देखिए, यहाँ पे लोग आते हैं और नफिल अदा करते हैं और ऊपर चले। तो यही वो जगह है जिसे मस्जिद खजर के नाम से जाना जाता है, और यहीं पे वो नमाज अदा करते थे। यही वो जगह है जहाँ पे जब वो नमाज पढ़ रहे थे तो जादूगर ने अपनी जादुई ताकत से यहाँ पे शेर भेजा था, तो उनकी लड़ाई हुई थी यहाँ पे। और यहाँ पे आपको दिखाएंगे शेर का पंजा भी है और साथ ही साथ में खून में भी। तो यही वो जगह है जिसपे शेर के पंजे का निशान है। और इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये सब खून का निशान है। अभी तक ये खून का निशान यहाँ पे मौजूद है, वहां पे शेर का पंजा और यहाँ पे खून का निशान। तो इन सब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।